आयात्मे कुंडलिनी का श्रावण पर आसन्नम कुंडलिनी का सुनाओ ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नारायणाय नमः धन्यवाद यह प्राठीष्पण यादपी विद्यारंभी गायता संग्रामी संघटेना जायते शुक्रां वर्धनम देवम चतुर्भुजं शरणवदनम जयते लाभ पीठां यति कां दत्ति कां पराजा महाकाय चोदकोटि सांसद जी आ जाओ विधायक जी आ जाओ संजय जी गणेश जी आ जाओ भाई महानगर अध्यक्ष आइए ठीक जी जी ताकि उनके सभी लोग एक एक गीत का प्रज्वलन संजय भैया फेस में इधर रखिएगा जी कहाँ गए ये है ना जी बहुत बहुत एहसान है भैया आपका बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर कौशल जी का सुन भैया हाँ सुन भैया लड़के हैं एक अभी सिंगल लाए है ना हाँ हाँ अभी सिंगल लाए भैया फोर्स की है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल यानी 300 बेड का एक प्रयागराज में निजी क्षेत्र का यह चिकित्सा की दृष्टि से जो सेंटर यह प्रारंभ हो रहा है मैं समझता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बड़े पैमाने पर आगे आने की आवश्यकता है और आज उत्थान संभूनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में प्रयागराज को एक बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए जहां इस संस्थान के जो अगुआ हैं श्री कौशल तिवारी जी और उनके सभी टीम के सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है और मैंने अभी चर्चा भी की है तो वर्तमान में चूँकि कोविड का संकट जो चल रहा है उसकी दृष्टि से तो आपने कहा है कि अभी यह पूरी तरह से जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं उनके लिए उपलब्ध होगा तो यह हमारे लिए मैं मानता हूँ प्रयागराज की भी बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में और निजी क्षेत्र के लोग तो आगे आ रहे हैं और आवें लेकिन सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं व्यापक कदम उठाए हैं और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्थाओं में सुधार की दृष्टि से बहुत जो भी आवश्यक कदम होगा आगे भी उठाए जाएंगे। एजुकेशन की फील्ड में तो मैं 2003 से हूँ तो धीरे 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 जो टेक्निकल एजुकेशन की जितने वो थे वो सब ख़त्म हो गए फिर एक बारगी सब के दिमाग में आया कि अब मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिर हम लोगों ने उसमें सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का कोर्स चॉइस किया तो बीएससी नर्सिंग के कोर्स को चॉइस करने में उसमें प्राइमरी कंडीशन है कि 300 बेड का हॉस्पिटल अगर आपका रहेगा तो उसमें 100 का मिलेगा और 100 बेड का रहेगा तो 60 का मिलेगा तो उस वक्त हमारा जो है 300 बेड का हॉस्पिटल नहीं था
और 300 बेड के हॉस्पिटल में, तो हमें जो है पिछले साल ही हमको 100 बेड की मान्यता मिल गई थी। तो एक साल के बाद उसमें अप्लाई करना था, तो हमने अप्लाई किया। उसके बाद इस साल हमको 300 बेड की मान्यता मिल गई, तब हमारी बिल्डिंग भी पूरी हो गई। हमारा प्राइवेट वार्ड में हमारा 100 कमरे का प्राइवेट वार्ड बन रहा है, जो कि हमारे ख्याल से काफ़ी बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल जल्दी प्राइवेट वार्ड का आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से इच्छा धीरे धीरे डेवलप हुई। अब आगे इच्छा तो सबकी आदमी की रहती है, पूरा करने वाला तो भगवान रहता है। तो हम लोगों का जो है ये है। और अभी तो हमारा अस्पताल अगर आप देखिएगा तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो एक अच्छे अस्पताल में हो और हमारे अस्पताल में न हो। सर, कोविड पेशेंट्स के लिए आप यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ को कन्वर्ज कर रहे हैं? कोविड हॉस्पिटल के लिए इसका पहला इरादा कोविड हॉस्पिटल का नहीं था, इसका हॉस्पिटल का था एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का। फिर DM इलाहाबाद ने कहा कि आप अपने अस्पताल को कोविड अस्पताल में परिवर्तित करिए, तो हम लोगों का इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए और ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी होगा और बहुत ही मतलब हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी, कि इसको हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो इसलिए सिर्फ DM साहब के मतलब प्रेरणा से ये हमने कोविड अस्पताल में इसको बदला। हमारा, मैं कौशल कुमार तिवारी हूँ, मैं सचिव इस संस्था का हूँ और